नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरीनेस की, और ऑर्डिनरीनेस को हम कंपेयर कर रहे हैं एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो ऑर्डिनरीनेस के अंदर जाने से पहले आइए समझते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स को। एट ऑफ पेंटिकल्स में हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है पेंटिकल के ऊपर काम करता हुआ दिख, और उसके सामने जो है सिक्स पेंटिकल्स जो हैं उसके सामने जो है पेड़ के ऊपर आगे टंगे हुए दिख रहे हैं। ये वो पेंटिकल्स हैं, ये वो अचीवमेंट्स हैं, ये वो ट्रॉफीज़ हैं जो उसने अचीव करी हैं, ये वो एकम्प्लिशमेंट्स हैं जो उसने पाई हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि ये व्यक्ति जो है अपने ऊपर काम कर, अपनी लाइफ के ऊपर काम कर रहा है। और क्योंकि हम इसको जो है कंपेयर कर रहे हैं ऑर्डिनरीनेस के साथ, तो इसमें कुछ एस्पेक्ट जो है ज़रूर उसके साथ मैच करता है। मैच ऐसे करता है कि इस व्यक्ति के अंदर जो है हुनर है, ये निपुण है, इसके अंदर जो है क्षमता है, इसमें क्रिएटिविटी की पावर है, और उसके बावजूद भी जो है उसके अंदर जो है गरूर नहीं है। जब आपके लाइफ में अचीवमेंट्स आती हैं, जब आपके लाइफ में सक्सेस आता है, तो बहुत ईजिली जो है आप जो है अपने पाथ से जो है भटक सकते हैं। आपके अंदर जो है ईगो आ सकता है और आप अपने आप को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ सकते हैं। तो एट ऑफ पेंटिकल्स जो है इस तरह से जो है हम मैच कर सकते हैं द कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस के साथ। और साथ में एट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी बताता है कि जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू होते हैं, जब आप अपने आप को बेटर करना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर कोई एंड नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप ये कह सकें कि आप जो होना चाहते थे वो हो गए। कंटिन्यूसली जो है चीज़ें बदल रही हैं और आप उन चीज़ों के साथ बदल रहे हैं, आप बेटर से बेटर होते जा रहे हैं। तो एट ऑफ पेंटिकल्स का जो गहरा जो मैसेज है वो यही है कि नेवर स्टॉप फॉर अ मोमेंट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। कि जब बात आए अपने ऊपर काम करने की, जब बात आए अपनी लाइफ के ऊपर काम करने की, अपने आप को बेटर करने की, तो वहाँ पे रुकिएगा मत। कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने आप को सुधारते रहिए, और साथ में याद रखें कि अपनी साधारणता को साथ साथ जीते। कभी भी ऐसा मोमेंट ना आए कि आप जो है अपने आप को जो है एक असाधारण व्यक्ति समझे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन समझे। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी एट ऑफ पेंटिकल्स की। आइए बात करते हैं द कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस की। कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस के पिक्चोरियल में हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है नेचर में दिखाया गया है, वो अपनी बास्केट लेके जो है वो गार्डन में घूमता हुआ दिख रहा है। और कार्ड की सेटिंग कुछ ऐसी है कि आप जब नेचर में होते हैं तो आप जो है अपने खुद के करीब हो जाते हैं। नेचर में होने का एक ही प्रतीक है, एक ही सिंबोलिज्म है कि वहाँ पे जो है आप कुछ और नहीं होते, वहाँ पे आप वो हो जाते हैं जो आप एक्चुअली में है, कि वहाँ पे आप बिल्कुल एक सिंपल व्यक्ति हो जाते हैं। बल्कि ऐसा कहना गलत होगा कि आप सिंपल व्यक्ति हो जाते हैं, आप वो हो जाते हैं जो आप हैं, और आप अपने सेंटर में वापस आ जाते हैं। कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस का जो मैसेज है वो ऑफकोर्स वो बहुत सिंपल है, बीइंग ऑर्डिनरी। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है कि बीइंग ऑर्डिनरी का ये मतलब नहीं है कि आपको अपने ऊपर जो है कुछ अलग से कुछ करना है ऑर्डिनरी होने के लिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहते हैं, हम अपने आप को इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि हम स्पेशल हैं, हम सबसे बेटर हैं, हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये जो अंदर ये जो भाव बैठा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का, असाधारण होने का, वो भाव जो है आपको कभी भी जो है नेचुरल नहीं होने देगा, प्राकृतिक नहीं होने देगा। और कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस का जो है एक सिंपल मैसेज है कि आप बिल्कुल वो हो जाएं जो आप हैं, जैसे आप हैं। किसी भी तरह का झूठ जो है आपको अपने जीवन में जो है लाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे, उस अच्छे और बुरे को जो है स्वीकार करने में जो है आपके भीतर की जो ऑर्डिनरीनेस है वो प्रकट होती है। और जैसे ही आप अपनी ऑर्डिनरीनेस को जो है एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो एक सिंपल व्यक्ति जो कि अपने स्वभाव को जो है स्वीकार करता है, उस व्यक्ति को जो है हम असाधारण कहते हैं, उस व्यक्ति को जो है हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। और उस व्यक्ति ने कुछ नहीं करा, उसने सिंपली अपने स्वभाव को जो है फॉलो किया,
उसे सिंपली वो किया जो उसको करना चाहिए। और जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो लोगों के अंदर एक बात पैदा होती है कि आप जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और फिर वो रेपुटेशन बनाने के लिए कि लोग आपको हमेशा से पसंद करते रहें कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसी प्रोसेस में जो है आप अपने आप से जो है भटक जाते हैं। आप वो हो जाते हैं जो आप है नहीं, क्योंकि आपको अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रखना पड़ता है कि लोग आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझें। और जैसे ही आप इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाते। तो राज जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का सिंपल ये है कि आप बस वो हो जाएं जो आप हैं, कि आप अपने स्वभाव में हो जाएं जैसे आप हैं। और यहाँ पे जो नेचर का जो सिंबॉलिज्म जो दिखाया गया है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि नेचर में जाके वहाँ पे जो है आप प्रिटेंड नहीं करते, आप वहाँ पे जाके अकेले हो जाते हैं। और आप ये भी रियलाइज करते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए किसी को कुछ भी नहीं है, देयर इज नो वेयर टू गो बट इनसाइड, कि बाहर कहीं जाने की जगह नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है जाने की, वो है अपने भीतर। तो जब आप अपने भीतर जाना शुरू करते, जो कि एक स्वाभाविकता है, जब आप उस स्वाभाविकता को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने लग जाते। साधारणता की ये गहराई, जीवन के सूत्रों में छिपी सुनहराई, एक अनकही कहानी की तरह बिखरती है रोशनी हर रोज की सादगी में, पेड़ों की छाव में, बच्चों की हंसी में, निहित है जीवन का अर्थ सरल और निश्चल। ये निर्मल पल, ये शांत दृश्य बताते हैं गहरे रहस्य बिना शब्दों। आसमान की विशालता, नदी की सीधी धारा, प्रकृति के हर कोने में छिपा है जीवन का सार। इस साधारणता में छिपा है विस्मय, जीवन की विराटता का एक अनूठा उपहार। एक कप चाय में, एक पुरानी किताब में, समय के इस पड़ाव में छिपे हैं अनगिनत रंग। जीवन की साधारणता बनी रहस्यमय कविता, जिसमें हर पल एक नया आया। गुरु ओशो बोलते हैं कि जिस तरह से हम हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, कि हमारे अंदर एक नहीं बहुत सारे व्यक्ति जो है हमारे भीतर बैठे हुए, और वो सब जो है आपकी ऊर्जा को जो है बिखेर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं। उस स्कैटर्ड ऊर्जा के अंदर जो है आपकी जो साधारणता है वो मर जाती है। लेकिन जब ऐसे क्षण आते हैं प्रेम के, या फिर कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जिसके अंदर आप बिल्कुल स्वाभाविक हो गए हैं, उस वक्त आपकी ऊर्जा जो है एक हो जाती है, वो बिखराव जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उस बिखराव के ख़त्म होते ही आप देखेंगे कि आप बहुत साधारण हो गए, और उस साधारणता में जैसे मैंने कहा कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं, आप असाधारण हो जाते हैं। और साधारण होने का बहुत सिंपल सूत्र है, जिसके लिए आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, कि जो आप हैं जैसे हैं जहाँ हैं वहीं पे रह के जो है एक असाधारण जो है घटना आपके जीवन में घट सकती है। रोज़मर्रा के काम जो आप करते हैं, जैसे घर के काम हो गए, अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को जो है पानी दे रहे हैं, इस प्रोसेस को आप इतनी तल्लीनता से कर सकते हैं, इतने भाव के साथ कर सकते हैं कि आप वहाँ पे पूरी तरह से मौजूद हो जाए। तो फिर एक छोटा सा काम जैसे कि चाय पीने का काम, अगर आपने चाय ऐसे पी जैसे आपने पहले कभी भी ना पी हो, और उसका एक एक घूंट जो आपने जो है उसको एंजॉय किया, उसको पूरी तरह से जिया, इतनी ऑर्डिनरी चीज, इतनी साधारण चीज चाय पीना, लेकिन वो एक्ट जो है वो सब कुछ बदल देती है, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। तो याद रखिए कि आप क्या करते हैं उसकी इतनी बात नहीं है, कैसे करते हैं सारी बात उसकी हो जाती है, किस भाव से करते हैं सारी बात उसकी हो जाती है, कितने मौजूद आप उस वक्त होते हैं उस काम को करने में सारी बात वो हो जाती है। और वो जो मौजूदगी है, आपका जो पास्ट और जो फ्यूचर है, वो सब कलैप्स हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है, और आप इस मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद हो जाते हैं।
हमारी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, वो धीरे धीरे जो अपनी ऊर्जा को जो है वो वापस जो है अपने ऊपर मोड़ने लगता, और उस मोड़ने में जो है आप अपने स्वभाव के साथ दोबारा से एक हो जाते हैं। इसलिए बड़े मज़े की बात है कि अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना हो तो आपको सिंपली जो है अपनी ऑर्डिनरीनेस को फॉलो करना है, कि आपको अपने साधारण स्वभाव को जो है बस जीना है, उसको स्वीकार करना है। इसका ये मतलब हुआ प्रभु ने आपको जो है जिस तरह से बनाया हुआ है वो अपने आप में इतना यूनिक है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप अपने ढंग से जो है असाधारण है, लेकिन हम उस असाधारणता को जीते नहीं हैं, हम उल्टा जो है साधारण होकर जीना चाहते हैं। यानी कि हम दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं, दूसरों की नज़रों में स्पेशल हो जाना चाहते हैं, दूसरों को ये बता देना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते, ताकि उनकी नज़रों में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखो। लेकिन ये करते ही आप अपने स्वभाव से चित हो जाते, आप अपने स्वभाव से दूर चले जाते। तो कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस का बहुत सिंपल मैसेज है, अपने स्वभाव में वापस आ जाना, वो जी लेना जो आप हो, और वो हो जाना जो आप सदा से थे। प्रभु ने आपको मनुष्य की तरह बनाया है, और अगर आप अपने मनुष्य तत्व को जो है पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो उससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। अहंकार में जीना, ईगो में जीना एक तरह की तकलीफ है, एक तरह की पनिशमेंट है। लेकिन अपने स्वभाव में जीना और ये जानना कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, जैसे सब हैं वैसे मैं हूँ, इस बात की स्वीकृति में आपके भीतर जो है आपके जीवन का फूल खिलना शुरू हो जाए। क्योंकि अब कोई कंपटीशन नहीं रहा, क्योंकि अब आपको किसी से कुछ बेटर करके नहीं दिखा लेना, कि आपको अब जो है अपने ऊपर स्पॉटलाइट नहीं चाहिए, कि आप तैयार हैं लाइन में सबसे आखिरी खड़े होने, कोई इशू नहीं है कि आप नंबर वन होने की अब आपने जो है फिक्र छोड़ दी। आपने ये जान लिया जहां मैं खड़ा हूं वो ही नंबर वन है। ये है ऑर्डिनरीनेस का राज, ये है ऑर्डिनरीनेस का सीक्रेट। और गुरु अशोक ये भी कहते हैं कि आपको उन लोगों से बचना चाहिए जो कि आपके अंदर जो है ये कंपटीशन की भावना डालने की कोशिश करते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जो आपको पुश करते हैं कि आप वो हो जाओ जो जिससे आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओ, जिसके कारण जो है आप जीवन से भटक सकते। तो ऐसे लोग आपके आसपास है, वो हर वक्त है, जो आपको पुश कर रहे हैं वो होने के लिए जो आप नहीं है। यहाँ पे आपको अपने स्वभाव को जो है याद रखना, और इस बात के लिए अवेयर रहना है, इस बात के लिए कॉन्शियस रहना है, जागे हुए रहना है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको अपने स्वभाव से दूर ले जाए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को जो है कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हमारा मन जो है वो इस तरह से बना हुआ है, उसको उसका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से है, वो आपको जो है पुश करता है कुछ और होने के लिए। वो आपको हर वक्त ये बोल रहा है कि ये आदमी तुमसे बेटर लगता है तो तुम इसको फॉलो करो, तुम वो करो जो ये कर रहा है। इस मन के भाव से जो है थोड़ा बचना है और ध्यान देना है कि कहीं आप अपने पथ से भटक ना जाए, इस बात के प्रति कॉन्शियस होना बहुत इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको जीवन की साधारणता के बारे में जो है थोड़ा सा भी अनुभव हुआ है कि आपने ये जाना है कि आप अपने स्वभाव में कितने जो है शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं और आनंदित हैं, खुश हैं, उसको रियलाइज करने की बात, वहाँ पे जो है स्ट्रॉन्गली खड़े होने की बात, ताकि कोई आपको जो है इन्फ्लुएंस ना कर दे, ताकि कोई आपको भटका ना दे, ताकि कोई आपके अंदर जो है इस तरह का आइडिया ना डाल दे कि अरे इससे क्या होगा, कि ये काफ़ी थोड़ी ना है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आप एक छोटी गाड़ी में खुश हैं, आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया कि आपके पास जो है मर्सिडीज़ गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन अब आपके मित्र ने मर्सिडीज़ ले ली, उसने आपके अंदर जो है ये ख्याल डाल दिया कि ये छोटी गाड़ी जो है ये वो नहीं है जो मर्सिडीज़ है, और आपका जो सुख जो ऑलरेडी जिसको आप ऑलरेडी जी रहे थे वहाँ पर जो है आप भटक गए। अब आपके मन ने आपसे बोलना शुरू किया कि जब तक कि तुम्हारे पास मर्सिडीज नहीं हो जाएगी तब तक सुख कहाँ। तो इससे बचना है, इसको समझना है और अननेसरी अपने आप को जो है कॉन्फ्लिक्ट में डालने से बचाना है। ये रियलाइजेशन, इस बात की समझ आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों से जो है बचा देगी।
बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है बचा देगी। जो सिंपल सी बात है, जब हम ऑर्डिनरीनेस की बात करते हैं, मैं इसके लिए जो है एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, कि हंसो खेलो और जीवन में जो है ध्यान धरो। ये बस छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको आप जी लो, उनके साथ जो है पूरी तरह से हो जाओ, आप देखोगे आपका छोटा सा साधारण सा जीवन जो है कितना असाधारण हो जाता, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता। एक शिष्य गुरु के पास आया और उस शिष्य ने गुरु को बोला कि मुझे आपका राज जानना है कि आप इतने निष्कपट कैसे हो सकते हैं, आप इतने असाधारण कैसे हो सकते हैं, आप इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं। जब मैं बाहर के संसार को देखता हूं तो बाहर के संसार में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जैसे आप हैं। इसके पीछे क्या राज है? क्या आप झूठ बोल रहे हैं? क्या आप प्रिटेंड कर रहे हैं? क्या आप दिखावा कर रहे हैं? तो ये शिष्य जब भी आता था इस तरह के प्रश्न पूछता था। कुछ दिन बाद दोबारा से शिष्य जो है गुरु से मिलने आया और दोबारा से वो जो है वही बातें जो है गुरु को बोलने वाला। तो गुरु ने कहा, रुको रुको, इससे भी ज्यादा मुझे जरूरी बात तुम्हें बतानी है, जरा अपना हाथ दिखाओ। तो शिष्य भी घबराया, उसने अपना हाथ दिखाया। तो गुरु ने कहा, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने अभी जो है तुम्हारे हाथ की रेखा देखी और मैंने देखा है कि तुम जो है 7 दिन में मर जाओगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, ये बताना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अब तुम मुझसे जो भी पूछना चाहो पूछ सकते। तो शिष्य ने कहा, पूछना मुझे क्या पूछना था, आपने तो मेरे ऊपर बम गिर दिया, अब मेरे को मेरे पास कुछ पूछने को है ही नहीं। और जैसे ही जब ये गुरु ने बात बोली, उसके अंदर जो है वो शिष्य जो है जैसे पूरी तरह से उदास हो गया और उदासी से जो है वो घर चला गया और जाके लेट गया बिस्तर पे। उसने मान ही लिया कि वो 7 दिन में मर जाएगा, क्योंकि वो ये जानता था कि ये मेरे गुरु जो है मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, वो गुरु को अपने ट्रस्ट करता था। तो 7 दिन जैसे जैसे बीत रहे थे वो और ज्यादा जो है बीमार होता चला जा रहा था। जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लो, आप मान लो, तो वो चीज जो है आपके साथ घटनी शुरू हो जाती, जो कि शिष्य के साथ घट रही थी। 7वें दिन गुरु जो है उस शिष्य को मिलने गया। वो तो अपनी मृत्यु की छैया पे था, वो तो ये मान के बैठा था कि क्या आज उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो गुरु ने उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू उठ के बैठ जा, सब ठीक है, तू नहीं मर रहा है, उस 7 दिन को भूल जा, अभी तेरे पास वक्त है। और जैसे ही शिष्य ने गुरु की ये बात सुनी, वो तो बिस्तर से उठ के बैठ गया, वो ठीक ही हो गया। फिर शिष्य ने जो है पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये बात मुझसे क्यों कही? तो गुरु ने कहा कि तूने पूछा था कि मैं जो है इतना निष्कपट कैसे रहता हूँ, कि मेरे भीतर ये पवित्रता कैसे बनी रहती है, कैसे मैं जो है इतना साधारण बना रहता हूँ, तो इसका राज जो है मैं तुझे बताना चाहता हूँ। राज कुछ ऐसा है कि जीवन में तेरे पास 7 दिन हो, 7 वर्ष हो या 70 वर्ष हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मृत्यु जो है वो तो आ ही रही, उसको तुम रोक नहीं सकते। मान लो तुम्हारे पास 700 वर्ष भी हो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दिन जो है तुम्हारी मृत्यु होनी ही होनी। जब इस मृत्यु के भाव को जो है मैंने समझा, मैंने जिया, उसी भाव में जो है मेरे भीतर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, एक बदलाव हो गया। मृत्यु का भाव जो था मेरे भीतर का जो अहंकार था उसको खत्म कर गया, विशिष्ट होने की जो एक अंदर से एक जो बात थी वो खत्म हो गई। एक चीज समझ ली कि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी हो जाए, चाहे धन हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सब जो है मेरे हाथ से लेनी जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जब इस भाव को मैंने जीना शुरू किया, वहां पे मैंने अपनी साधारणता को जो है पूरी तरह से स्वीकार किया। और यही मैसेज जो है वो मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ जो आप वीडियो देख रहे हैं, कि आप जैसे हैं वो ऑलरेडी बहुत स्पेशल है। उस स्पेशल होने को जो है स्वीकार जैसे ही आप करते हैं, अपनी ऑर्डिनरीनेस को जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।